खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर शिकारपुर में सर्दी बढ़ते ही अज्ञात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी साफ कर ली। आपको बता दें, शिकारपुर नगर में नहीं थमने का नाम ले रही है चोरियों का सिलसिला। शिकारपुर पुलिस चोरों की वारदातों पर अंकुश लगाने में हुई फेल। आपको बता दें, वैश्य समाज के अध्यक्ष ने शिकारपुर कोतवाली को दिया है 2 दिन का अल्टीमेट। 2 दिन में खोली चोरी की घटना, नहीं तो बाजार होगा बंद। व्यापारियों का कहना है कि चोरी की सूचना देने के बाद भी शिकारपुर कोतवाली 2 घंटे बाद पहुंची घटनास्थल पर, और पीड़ित ने बताया कि मेरी दुकान का शटर तोड़कर गल्ले से 4,10,000 रुपए ले गए चोर। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की है न्यूज। मैं कुशल सिंघल, शिकारपुर। ये हमारे चाचा जी बेटों की दुकान है, केलाचंद सिंघल। हमारा भतीजा इस पर बैठता है, निशांत सिंघल। इसमें लगभग 1:15 बजे चोरी हुई है, जो कि सीसी फुटेज में दिख रहे हैं चोरी करते हुए। अंदर से लगभग 4,20,000 रुपये चोरी हुए हैं, जो कि निम्न प्रकार जो जिसका विवरण हमारा भतीजा दे चुका है। चादर की गाड़ी आने के बाद में चोरी की पता चली। चोरी की पता चलने के बाद में आया गया 112 भाई फ़ोन कर दिया गया है, हेड ऑफिस भी फ़ोन कर दिया गया है, SSP साहब से भी कह दिया गया है, इंस्पेक्टर साहब से भी कह दिया गया। उसके भी कहने के बाद में भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद पुलिस फोर्स यहाँ पर आई है, जिस बात का व्यापारियों में तथा वैसे वर्ग में पूरे शहर में काफ़ी रोष है। इसी प्रकार पहले भी कई चोरियां हो चुकी हैं जो अभी तक नहीं खुली हैं। चोरियां नहीं खुलने से बदमाशों के, चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसी कारण उन्होंने मेन हाईवे पर बनी इस सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी कर ली। आज की तारीख में पुलिस प्रशासन का खौफ बदमाशों में नहीं है, और पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो 2 दिन में इस चोरी को खोल दें और पहली चोरी को खोल दें, अन्यथा 2 दिन बाद पुलिस प्रशासन के बाद बड़ा आंदोलन करा जाएगा, बाजार बंद करा जाएगा और थाने पर और हाईवे पर जाम लगाया जाएगा। इसलिए 2 दिन का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो 2 दिन में चोरी को खोल दे और बाकी चोरी को खोल दे, अन्यथा पुलिस प्रशासन हमारे आंदोलन को नहीं रोक पाएगी। हमारे यहाँ पे कई बार ऐसे हो चुका, 300 सरेआम मारते थे हम व्यापारी। एक बार जब मजेदार का थैला छीन के भग रहे, वो सरेआम बाजार में मारते, सरेआम बाजार में एक बार सुरेश चंद के यहाँ से टूट करके भग रहे, वो सरेआम मार दिए, 3 बार मारे 3 बार, और फिर लूटना हो गई। फिर एक बार उनके यहाँ सूरज हन जाए बदमाश, तो एक उनको मार दिया, उनसे कम से कम 1.5 घंटे गोली चली। बस चल अंदर घुस तू, अब फटाफट से देखो वो खुले पड़े डोर, हम खुले पड़े डोर, अभी रुक जाओ, डोर खुले पड़े हैं। मेरा भी तोड़ दिया, मेरा देखो भैया ऋषि भाई, ये देखो मेरा लॉक खोला, देखो गेंदारे पेंदारे भरे होंगे, तोड़ दिया, देखो नीचे से टूटा पड़ा है। आइयो ऋषि उधर का बना, पहले एक मिनट रुक जाओ, अब तो अभी यहाँ पे तो कोई भी घुसिया आएगा, देखो यहाँ तो नहीं, अंदर को अंदर था, इसमें तो कोई भी अंदर हुआ जाएगा ना जाएगा है? अच्छा निकालते हुए दिख रहे हैं पैसे, तो वो साले पैसे तो कैमरे में दिख रहे हैं उठाते हुए। कैमरा चला ना। मयंक सिंघल ये शिकारपुर के निवासी हैं, डाक खाने वाली गली के, और ये सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल स्टोर से दुकान है लोहे की। यहाँ रात में लगभग 1 बजे शटर तोड़ के चोरी करी गई है, लगभग 3,55,000 रुपये एक और 50,000 रुपये एक की नकदी चोर ले गए हैं, और पर्स में वॉलेट में ATM वगैरह सारे निकाल के ले गए। 5,000-7,000 रुपये की खुले पैसे ले गए, जो 10 के और 20 की नकदी थी, लगभग सारे पैसे 4,20,000 रुपये है, लेडीज तक ले गए, 10 के सिक्के भी नहीं छोड़े। मेन गेट लगभग 20x20 का शटर तोड़ा है, और शटर तोड़कर उसमें घुसे हैं,
और क्या नाम है घुसकर जब चोरी करी है, ये गहनारों से तोड़े हैं, ताले वगैरह सब केबिन ऑफिस सब ताले तोड़ तोड़ कर ले गए। लगभग पिछले 10-15 दिन में 2-3 चोरी की घटना सामने आ गई है, इस वजह से व्यापारियों में रोष है, इसलिए सभी व्यापारी नाराज है। और ये हाल ही में 30वीं चोरी सामने आई है बहुत जल्द में, 5-6 बजे फोन करने के बाद लगभग 8 बजे मौके पे आया है। इस वजह से व्यापारी 100-150 व्यापारी आने के बाद 500 में तो इतना रोष हो गया कि व्यापार प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए प्रशासन से नाराजगी करा है। और 2 हमारे होमगार्ड आए थे पहले, उसके बाद भी कोतवाल साहब लगभग 2 घंटे बाद आए मौके पर। एक बात अपनी जा रही है कि इस चोरी को अगर 2 दिन में नहीं खोला गया तो अब क्या आंदोलन करा जाएगा? 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, सिर्फ 2 दिन का, क्योंकि पिछली चोरी में आपसे कही गई थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, नहीं फिर आंदोलन करा जाए? क्योंकि इस प्रकार से हौसले काफी बढ़ते जा रहे हैं बदमाशों के। आपने सीसी फुटेज में देख लिया, हर चीज में देख लिया कि बदमाश किस प्रकार से मेन हाईवे पे मेन जीटी रोड पे किस प्रकार खुलेआम चोरी कर रहे हैं, किस प्रकार दरवाजे डाल रहे हैं, किस प्रकार यूज कर रहे हैं। हाँ लूट चोरी सब कुछ जो भी कुछ हो आपके सामने है, हाँ हाँ जो भी कुछ चोरी भी है लूट भी है दोनों चीजें, ये बता कि हाईवे पे तो लूट ही कही जाएगी, जब हाईवे पे वो कर रहे हैं तो हाईवे पे तो लूट ही हो गई थी। अब बताओ जब कोई व्यक्ति यहाँ होता है उसे धमकाया जाता, डराया जाता, आपने जो तैयारी